आपको अगर हिम्मत हो तो उसको रोक सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में हूँ और सभी को चैलेंज करता हूँ, कोई भी श्री कृष्ण को परमेश्वर सिद्ध कर दे तो। 18वें अध्याय में कहा कि हस्तक्षेप नहीं करता मैं, बताइए दिखाइए। गुड और बैड वो अलग बात है, वो विषय हस्तक्षेप नहीं करता बिल्कुल। मैं प्रोफेसर रहा हूँ, आपने हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप अगर मेरी प्रभु जी नमस्ते। हरे कृष्ण। नमस्कार। आपका नाम क्या है? करुणामय दास। अच्छा जी। प्रभु जी, जैसे हम श्री कृष्ण को मानते हैं, क्या श्री कृष्ण से परमेश्वर कोई है क्या? हाँ, वैदिक शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये कहाँ पे कहा गया है? ये ब्रह्म संहिता में है। अच्छा, ब्रह्म संहिता में। हाँ, जैसे कि श्री कृष्ण है, उनका तो जन्म हुआ, ईश्वर का क्या जन्म होता है क्या? नहीं, भगवान एक जैसे कृष्ण कारागार में देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे, गर्भ से नहीं आए थे। अच्छा। जैसे सूर्य हमारे सामने प्रकट होता है और अप्रकट होता है। अच्छा। लेकिन सूर्य हमेशा ही आकाश में रहता है। उसी वो प्रकट कैसे होता है? वो तो पृथ्वी के वजह से हमें दिखता नहीं है। हाँ, तो जैसे भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि का जब भी धर्म को हानि होता है तो मैं युग युग में धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्मों को विनाश करने के लिए और साधु भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण तो मना करते हैं कि मैं अवतार नहीं लेता, मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता ना। ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा है। हाँ, यूँ कहा कि ना तो मैं किसी के पापों को ग्रहण करता, ना ही किसी के पुण्यों को ग्रहण करता है ना, ना मैं दृष्टि ना प्रिय। लेकिन यूँ नहीं कहा कि मैं अवतार नहीं लेता हूँ। नहीं, हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप का मतलब है कोई मैं अवतार लो या लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ना ना, ऐसा नहीं कहा। वैसे भगवान ने भगवद्गीता में कहा कि मैं हर को स्वतंत्रता देता हूँ, स्वतंत्रता। जी, वो 18वें अध्याय में कहा कि हस्तक्षेप नहीं करता मैं, बताइए दिखाइए। जी, एक मिनट, वहाँ से गीता लेकर आइए। एक सेकंड, आपका नाम लेके आप ही लेके आप नाम। जी, इसमें देखिए। हाँ, इसमें कहा गया कि किसी प्रकार तुम्हारा ज्ञान खून के हो गया है, मनन करो पूर्णतः, जैसे इच्छा हो वैसा करो। इसमें यहाँ पे कहा गया कि जैसा हो इच्छा हो, मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता ना। भगवान ने बोला, ठीक है, भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हें धर्म का पद बताया है, ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम कार्य करने के लिए स्वतंत्र, जैसा चाहो वैसा करो। बिल्कुल, जैसा इसमें मतलब बिल्कुल, अगर हम करेंगे वही, अगर हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा परमात्मा कह। पहले सुनिए अच्छे से। जैसे टीचर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता देता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab, ये होता है। अगर ये लिखोगे तो तुम्हें 2 नंबर दूंगा, और ज़बरदस्ती ऐसा नहीं बोल सकता कि ये तुम्हें करना ही है। तुम याद करोगे तो पास हो जाओगे और नहीं याद करोगे तो फेल हो जाओगे। इसमें श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि पूर्ण तरह मैंने चाहो वैसा करो, चाहो सो करो, मतलब जो चाहो वो करो। हाँ। इसका मतलब है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो करो। हाँ। अगर ऐसा नहीं कहते कि श्री कृष्ण अगर तुम अलग करोगे गलत करोगे तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा, हस्तक्षेप करूंगा, अवतार लूंगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा चाहो वैसा करो, तो जैसा चाहो वैसा करोगे तो इसमें अवतार लेने का वो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो खुद ही समझदार है। मान लो माता पिता हमें बोल सकते हैं कि बेटा अग्नि को मत छूना, है ना, लेकिन फिर हम बार बार जिद करें तो क्या बोलेंगे? एक बच्चे को बोलता है बेटे ड्रिंक मत करना, लेकिन बच्चा जब करने लगता है माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा ठीक है तुम्हारी जो इच्छा करो। तो बीच में तो हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे ईश्वर नहीं करता। हाँ, तो इससे वास्ते जब ईश्वर नहीं करता, नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो फिर गुड और बैड, वो अलग बात है, वो विषय। हाँ, हस्तक्षेप नहीं करता बिल्कुल, वो अलग, हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। वो तो कर रहे हैं ना लोग। आप
आपको अगर हिम्मत हो तो उसको रोक लो। हम तो हिम्मत कर रहे हैं, रोक लेता हूँ आपको। नहीं, हजारों को मैं चैलेंज किया। मैं वृंदा मैं यहाँ पे इस कौन मंदिर में हूँ और सभी को चैलेंज करता हूँ, कोई भी श्री कृष्ण को परमेश्वर सिद्ध कर देता हूँ मैं बैठा हूँ, और भगवत गीता के माध्यम से ना उनसे ये बोलवा दूंगा। कौन सी बड़ी बात है, छोटे से पूछोगे तो बता देगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ईश्वर देवता और भगवान में क्या अंतर है? ईश्वर और भगवान तो एक ही हो गया। नहीं नहीं, ईश्वर मतलब परम नियंता को, जो परम नियंता होता है ना, ईश्वर मतलब जो नियंत्रित करे सबको, उसको ईश्वर। देवता कैसे बोलते हैं? हाँ, देवता, देवता भगवान के प्रतिनिधि मतलब प्रशासक अधिकारी है। जैसे एक मंत्री एक प्रधानमंत्री के सारे कैसे सांसद विधायक मंत्री, मतलब वो चेतन होते हैं या अचेतन होते हैं, मतलब उनमें जान होती है नहीं होती? अरे जान तो सब में होती, नहीं तो बोलेंगे कैसे? चलो ठीक है फिर, मुझे ठीक है, और ही मिलना फिर बात करते हैं। बुरा मत मानना मेरे विषय में। बुरा नहीं, देखिए पहले मैं प्रोफेसर रहा हूँ, अब मुझे ऐसे क्वेश्चन एक बार भी हजार लाख आए। आप आर्य समाज को जानते हो? आर्य समाज को क्यों नहीं जानते? आर्य समाज से तो आप पहले अच्छे से आप खुद अध्ययन कीजिए ना। अध्ययन किया मैं? आप इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं नहीं, मैंने अध्ययन किया जब यार, आपको कॉन्फिडेंस ही करनी। कॉन्फिडेंस कमी होती मैं आज बात नहीं कर रही। हम लोग मोबाइल लेके नहीं घूम रहे हैं, हम लोग हरिनाम लेके घूम रहे हैं। वो तो बात ठीक है आपकी, आप लोग नाम पर अच्छा घूम रहे हैं। फिर मैं भगवद गीता उठा कर लाऊंगा, फिर आप बोलोगे श्री कृष्ण किस बात उपासना की बात करते, उपासना किससे बोलते हैं? जपानाम यज्ञ नाम जपो यज्ञ। उपासना किससे बोलते हो? उपासना उपासना बोलते हैं मतलब संध्या उपासना ना, उपासना का अर्थ मतलब किसी को नजदीक बैठ कर उसको उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है उसको। तो संध्या उपासना तो करते नहीं है तुम, तो माला लेके घूमते हो? हाँ, हम सुबह दो घंटे सारे एक बार साथ बैठे। चलो कोई नहीं, और बात करते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उसको ऊपर पटक के उसको हटा नहीं सकते। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप अगर मेरी वजह से घर का लगाना है वो मत लगाना, पर मैंने जो सत्य बोला वो सत्य, आप खुद गहराई से अध्ययन कर देना। ठीक है फिर।